लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। बात हम कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध मेले सोनपुर की। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। आपको बताते चले कि एशिया का यह सबसे बड़ा पशु मेला होता है जो कार्तिक महीने में नवंबर और दिसंबर महीने की शुरुआत में लगता है, जो एक महीने तक चलता है। इस मेले में दूर दराज से यानी कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से, विश्व भर से जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। कई तरह के यहाँ पर चीजों की खरीदारी की जाती है और सोनपुर मेले का अपना एक अलग इतिहास और अपना एक अलग सौंदर्य भी है। आपको बताते चले कि बिहार का सोनपुर मेला बिहार की राजधानी पटना से 25 किलोमीटर की दूरी पर और वैशाली जिले के मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पशुओं के मेला के लिए विख्यात है और पशुओं के लिए एक अलग पहचान सोनपुर मेले में दी है। इस मेले की क्या है खासियत, इस मेले में आखिर लोग दूर दूर से क्यों आते हैं, आखिर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इस मेले की खासियत आखिर इतना क्यों बढ़ जाती है, आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं सोनपुर मेले के बारे में। वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों का एक अलग पहचान दी है। इस महीने के बाकी मेलों के उलट यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू हो जाता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे, अब भी यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर पशु मेला में नौटंकी आज भी और नाच देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहां से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े के बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी के मल्लिका गुलाब भाई का जलवा होता था। सोनपुर मेला में भू राजस्व विभाग का स्टॉल से बिहार के सभी राजस्व ग्रामों का डिजिटल मानचित्र 150 रुपए मात्र सरकारी शुल्क के साथ और कोई भी नागरिक 3 मिनट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। समय के बदलते प्रभाव के असर से हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला पशु बाजारों से हटकर अब ऑटो एक्सपो मेले का रूप लेता जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इस मेले में कई कंपनियों के शोरूम और बिक्री केंद्र यहां खुल रहे हैं। इस मेले में रेलग्राम प्रदर्शनी भी लगी। रेलग्राम में टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। सोनपुर मेले के प्रति विदेशी पर्यटकों में भी खास आकर्षण दिखा जाता है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और अन्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्विस कॉटेजों का निर्माण भी किया जाता है। पर्यटकों को पटना एयरपोर्ट से सोनपुर मेला आने व जाने के लिए प्रीपेड टैक्सी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस मेले में हाथियों व घोड़ों की खरीद हमेशा से सुर्खियों में रहती है। पहले यह मेला हाजीपुर में होता था। सिर्फ हरिहर नाथ की पूजा सोनपुर में होती थी, लेकिन बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से मेला भी सोनपुर में ही लगने लगा। सन 2001 में सोनपुर मेला में लाया गया हाथियों की संख्या 92 थी, जबकि 2016 में 13 हाथियों ने इस मेले में बनाया, केवल प्रदर्शन के लिए, बिक्री के लिए नहीं। 2017 में मेले में 3 टस्कर था। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।